नमस्कार दोस्तों, मैं राम आपके अपने YouTube चैनल निफ्टी ट्रेडर में कर फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था और एक्सपायरी में हम लोग जो भी एनालिसिस किए बहुत परफेक्ट रहा। तो चलिए एक बार थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या यहाँ पे पोजिशन देखा और कहाँ पे हमने डेटा के बेसिस पे मार्केट में ट्रेड किया। तो ओवरऑल कल हमने पोस्ट किया था, देखें कि हमारा जो शॉर्ट कवरिंग पॉइंट 19,300 का है और इसको टच करना चाहिए। ओवरऑल इनिशियल से ही यहाँ पे हमने डेटा बेस पाया और प्रोब को देखा कि 19,450 400 पे जबरदस्त कॉल की राइटिंग कर रहे थे प्रोब। तो ये हमने आपको 10 बजे ही मैसेज कर दिया कि प्रो हमारा क्या कर रहे हैं, वो कॉल की राइटिंग कर रहे हैं, यानी मार्केट क्या है, नीचे ही रहेगा ऊपर नहीं रहेगा। और इस डेटा के बेसिस पे जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो देखिए अच्छा प्रॉफिटेबल किया, इन्होंने 5,800 भी प्रॉफिटेबल किया। एक दूसरा प्रॉफिटेबल यहाँ पे देखें जो उनका प्रॉफिटेबल था। इसके बाद हम यहाँ पे मैसेज के 19,400 विल बी द बेस्ट फॉर, एक कम ने यहाँ पे पुट दिया था कि 19,400 का जो है पी आप बाई कर सकते हैं 30 के ऊपर 22 SL, और टारगेट हमारा 50-60 का। यहाँ पे 67 का हाई लगाया है दोस्तों विद इन 10 मिनट्स, आप जाकर टेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100% यहाँ पे क्या है, देखें कि क्या है रिटर्न मिला। तो यहाँ सब कुछ फर्स्ट टारगेट हिट, ऑल डाउन 70% डबल मनी। यहाँ पे निफ्टी हेडिंग टुवर्ड्स शॉर्ट कवरिंग पॉइंट। शॉर्ट कवरिंग पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि 19,300 का जो हमारा शॉर्ट कवरिंग पॉइंट है इसके आसपास निफ्टी हमारा आना चाहिए। 19,326 का यहाँ पे जो है वो लगाया, लो लगाया, तो ये परफेक्ट इसी के आसपास घूमता रहा। तो आप देख सकते हैं कि डेटा कितना रिलायबल है और डेटा के ऊपर आप ट्रेड करना कितना आपको ईजी है, क्योंकि वहाँ पर डेटा के साथ आप फॉर्मूला जो है वो लगा सकते हैं। इसके बाद फिर वहाँ पर जब ऊपर आया 1:42 पर, तो मार्केट ऊपर जा रहा था, मैंने बोला कि 380 तक एक बार आएगा। तो आप चार्ट भी देख सकते हैं, 380 आके टच किया और वहीं से फिर गिर गया शार्प नीचे। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे जीरो टू हीरो हमने 18 में दिया, ये 12 का लो लगाया, 15 आपको 18 12 टू 15 टारगेट यहाँ पे 40 का था लेकिन ये 36 का लगभग हाई लगाया, तो यहाँ पे भी आपका डबल मनी हो गया। इसके बाद देखिए जो थर्ड मूव था, हमने 3 बजे बोला कि मार्केट नीचे आएगा, शार्प डाउन साइड, मार्केट नीचे भी आया। ओवरऑल यहाँ पे 32% लोगों से 15% 15 यानी आपको देखें 47% ये लोगों ने किया कि 100% एक्यूरेसी, 28% जो है आपको 90% दिए हैं, ये 19% 80%। तो एक्यूरेसी आप ये तीनों ऐड कर सकते हैं कि आपको लगभग 90% एक्यूरेसी आता है, 80 के ऊपर है। तो ओवरऑल ये हमारा नहीं, ये आप लोगों का रहा है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वोटिंग करने के लिए, आप लोग बिल्कुल फेयर वोट करिए। चलिए हम बात करते हैं डेटा के बेसिस पे कि कल क्या डेटा बना हुआ है और हमें कैसे ट्रेड करना है फ्राइडे। तो कल फ्राइडे है, कल थोड़ा सा क्लाइंट्स को हमारे फंसाया जाएगा। क्लाइंट्स देखिए दोनों तरफ फ्यूचर में, ये आपको दोनों तरफ इनको मारा जा रहा है। इन्होंने यहाँ पर लॉन्ग भी किया, शॉर्ट भी किया, मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ आया। तो नेट बेसिस पे इनका लॉन्ग और शॉर्ट लगभग इक्वल है, 65 से 64,000 इनका है। तो ये कैसे लॉन्ग और शॉर्ट पोजिशन बनता है इसका हमने डिटेल में बात किया है कि आप यहाँ पे अगर फ्यूचर में देखें तो इनको ये 2,55,000 से 2,65,000 इनका पोजीशन हो गया, यानी 9,300 इन्होंने आज प्रेस लॉन्ग बनाया, 1,90,000 से 2,00,000 हो गया, 10,000 इन्होंने शॉर्ट भी बनाया। तो नेट बेसिस पे 814 कॉन्ट्रैक्ट्स का इन्होंने शॉर्ट ज़्यादा किया। तो ये 65,004 में से 64,500 निकल के आ गया, 61%, 46%। मैं ये डिटेल में एनालिसिस कल की वीडियो में मैंने बताया था। तो ओवरऑल आप अगर समरी के तौर पर देखें तो यहाँ पे निकल के आता है ये दोनों तरफ कंफ्यूज है, यानी अभी भी यहाँ पे ये बुलिश हैं। FII ने यहाँ पे शॉर्ट किया, लॉन्ग भी किया। तो इनका ये जो आपको देखिए, ये आपको अगले एक्सपायरी का, अगले मंथ का नेट बेसिस से कहेंगे यहाँ कोई चेंज नहीं है। अब पूरी यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट में सिर्फ 500 कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है, 500 ही कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन यहाँ पे आप देखें कितना अच्छा चेंजमेंट हुआ। इन्होंने जो लॉन्ग किया था वो निफ्टी में यहाँ पे क्लोज करके बैंक निफ्टी में कर लिया। निफ्टी में उन्होंने 5,800 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग क्लोज किया, बैंक निफ्टी में उन्होंने लॉन्ग इनिशिएट किया यहाँ पे। तो नेट बेसिस पे यहाँ पे ये भी बियरिश हैं दोस्तों। प्रो ने यहाँ पे लॉन्ग भी किया और शॉर्ट भी किया, दोनों साइड उन्होंने पोजीशन इनिशिएट किया। नेट बेसिस पे यहाँ पे न्यूट्रल हो गए। DII यहाँ पे अभी क्या है, शॉर्ट पोजिशन ही बना किया है। तो यहाँ फ्यूचर में कोई ज्यादा चेंजमेंट नहीं आया है। अब थोड़ा ऑप्शन में देखें तो आज एक्सपायरी था तो मैक्सिमम डेटा यहाँ पे क्लोज हुआ होगा। तो आप देखें कि 56,33,000 36,000 से 28,00,000 पोजीशन क्लोज होके अभी 28,00,000 ही रह गया यहाँ पे, 28,00,000 यहाँ पे 29,00,000 यानी यहाँ पे 28,00,000 यहाँ पे 27,00,000 पोजीशन क्लोज हुए दोनों साइड में। लेकिन अभी आप नेट बेसिस देखें तो 28,36,000 कॉल की बाइंग है, 29,49,000 कॉल की राइटिंग है इनके पास। किसके पास, हमारे क्लाइंट्स के पास। तो नेट बेसिस पे 1,13,000 इनके पास कॉल की राइटिंग ज्यादा है,
आज उन्होंने कॉल की बाइंग ज्यादा क्लोज की, राइटिंग कम क्लोज किया, तो ये 37 से पूरा 75,000 और एड कर देंगे तो 113,000, यानी यहाँ पे इनकी पोजिशन थोड़ा सा बेरिश साइड बनी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा पुट साइड देखना है, पुट साइड इनके पास 51 लाख पुट की बाइंग थी, 53 लाख पुट की राइटिंग थी, 2,78,000 मात्र इनके पास पुट की राइटिंग थी यहाँ पे, यानी वो पुट राइटिंग करके सेल करके गए थे, मार्केट को ऊपर देख रहे थे, मार्केट खुला नीचे। हमारे क्लाइंट्स ने क्या किया, 28,00,000 पुट की बाइंग क्लोज की, 25,65,000 पुट की राइटिंग क्लोज की। यहाँ पे बाइंग उन्होंने ज्यादा क्लोज किया, आज राइटिंग क्लोज कम किया, तो यहाँ पे बाइंग क्लोज किए उन्होंने, यहाँ ये जो बाइंग किए थे वो थोड़ा सा प्रॉफिटेबल है, लेकिन राइटिंग में फंसे हुए हैं जबरदस्त। यहाँ पे जो क्लाइंट्स राइटिंग करके गए हैं वो फंसे हुए हैं, बाइंग वाले तो प्रॉफिटेबल हैं। तो नेट बेसिस पे यहाँ पे 2,60,000 और राइटिंग की पोजीशन बढ़ गई यहाँ पे नेट बेसिस पे, तो यहाँ 2,78,000 से फिर 5,39,000 हो गया, यानी क्लाइंट हमारे जबरदस्त बुलिश हो गए यहाँ पे, क्योंकि वो अगर पुट की राइटिंग करके जा रहे हैं, पुट सेल करके जा रहे हैं तो मार्केट को ऊपर चाहते हैं, तो ये जबरदस्त बुलिशनेस इनके पास आ गया। अब इस डेटा को मैनेज किसने किया, किसने पुट की बाइंग की, उस डेटा को हम देखते हैं। तो यहाँ पे FII अगर देखें, FII ने लगभग 4,88,000 कॉल की बाइंग क्लोज की, 4,00,000 कॉल की राइटिंग क्लोज की, 84,000 इनके पास बाइंग क्लोज हुआ, 1,70,000 करीब इनके पास बाइंग रह गया, जबकि पुट साइड इन्होंने बिल्कुल क्लोज नहीं की, मार्केट नीचे आया फिर भी देखिए इनके पास पुट की बाइंग क्लोज नहीं है, 4,72,000 पुट की बाइंग, 4,47,000 पुट की राइटिंग, दोनों इक्वल में उन्होंने क्लोज किया, तो अभी भी 6,99,000 7,00,000 इनके पास पुट की बाइंग पड़ी है और 3,53,000 ही पुट की राइटिंग है, तो नेट बेसिस पे 3,45,000 इनके पास पुट की बाइंग पड़ी है, जबरदस्त। ये आपको स्ट्रॉन्ग बियरिस है यहाँ पे ये जबरदस्त बियरिस है हमारे FII। अब सेम बेसिस पे अगर प्रो की बात करते हैं, प्रो के पास देखिए 2,16,000 कॉल की राइटिंग पड़ी थी, उन्होंने क्या किया कि 4,28,000 कॉल की बाइंग क्लोज कर दी, 5,88,000 कॉल की राइटिंग क्लोज कर दी, तो नेट बेसिस पे राइटिंग उन्होंने ज्यादा किया 1,60,000। अभी इनके पास मात्र 56,000 ही इनके पास क्या हुआ, 56,000 ही दोस्तों इनके पास राइटिंग बढ़ा, लेकिन पुट साइड जबरदस्त इनका पोजिशन बना हुआ है, 1,78,000 जो पुट की राइटिंग थी वो पूरे के पूरे क्लोज हो गए, 4,00,000 देखे यहाँ पे पुट की बाइंग क्लोज की, जबकि 6,78,000 पुट की राइटिंग क्लोज की, यानी पुट की राइटिंग जबरदस्त क्लोज की है, मार्केट को ऊपर जब गया तो जबरदस्त। तो ये पूरे नेट बेसिस पे बाइंग में आ गए, 88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ये बाइंग में आ गए दोस्तों, और ये जब जब बाई करके जाते हैं मार्केट उनके डायरेक्शन में जाता है। अब मैं आपको प्रो का डेटा यहाँ पे लेके चलता हूँ, अब उस डेटा को आप मैच करिएगा, उस डेटा को मैच करिए कितना डेटा परफेक्ट निकल के आता है। देखिए यहाँ पे ये जब भी बाइंग में जाते हैं, यानी आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं कि नेट पुट जो बाइंग में आ गया, यहाँ पे 88,000 आपको दिख रहा है, आप देखें मार्केट गिरा होगा यहाँ पे, मार्केट गिरा होगा यहाँ पे, ये जब भी बाइंग में जाते हैं, ये बाइंग की इनके पास बाइंग है यहाँ पे बाइंग, तो ये जबरदस्त पुट की बाइंग अभी कर रहे हैं, और जब भी ये पुट की बाइंग करके जाते हैं इनका डायरेक्शन क्लियर होता है, उस मार्केट को उस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो अगर मार्केट कल ओपन भी होता है ऊपर में तो मार्केट जरूर नीचे आएगा, इस चीजों का आप ध्यान रखिए दोस्तों, परफेक्ट मार्केट नीचे आएगा। और DII आईजोल यहाँ पे न्यूट्रल है इनके पास अभी भी, आपको देखें तो 1,04,000 पुट की बाइंग पड़ी हुई है। तो आई होप कि आपको ये डेटा समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे बड़े प्लेयर ने कहाँ पे पोजीशन बनाया, 19,350 के आसपास मार्केट क्लोजिंग आज दिया है, जो 17 की एक्सपायरी है। तो अभी हम नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा देखते हैं कि नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या पोजीशन बनाया, क्योंकि एक्सपायरी हमारा कल से अभी 17 की जगह 24 से स्टार्ट होगा। तो इस 24 वाले में अगर PCR देखें यहाँ पे न्यूट्रल है, कॉल साइड 7,65,000, पुट साइड 6,00,000 पोजीशन बनाया गया है, यानी यहाँ पे कॉल में थोड़ा सा ज्यादा पोजीशन बनाया गया है। 19,350-400 पे यहाँ पे जबरदस्त 85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, 19,500 पे भी 71,000, तो अभी 400 और 500 दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ ऊपर अगर आप पुट साइड देखें तो यहाँ 450 के ऊपर कोई पोजिशन नहीं बना, यहाँ इनकी मैक्सिमम पोजिशन 19,250 यहाँ पे बन रहा है नीचे 19,300 पे, ये भी आपको 69,000 है। तो अभी 19,300 हमारा क्या है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि 300 के नीचे ये पोजीशन ज्यादा नहीं है। तो 300 पे भी यहाँ 26,000 बने, यहाँ 37,000, बहुत ज्यादा चेंजमेंट नहीं है पुट साइड। तो ये डेटा हमको क्या कर रहा है, इन द मनी अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे इन द मनी जबरदस्त पोजीशन बनाया गया, जबकि यहाँ पे इन द मनी कोई ऐसा पोजीशन नहीं दिख रहा है। तो ये डेटा हमें बेयरिश इंडिकेट कर रहा है, स्लाइटली बेयरिश यहाँ पे है, और ये बड़े पोजीशन जो है वो आपको नीचे में बन रहे हैं, 18,500 यहाँ पे। तो निफ्टी का डेटा यहाँ पे बेरिस है दोस्तों।
अब यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम पोजीशन बना हुआ था। अब हम अगले ही एक्सपायरी का डेटा डिस्कस करते हैं 24th का यहाँ पे 24th का है यहाँ पे, और 24th में आप देखें कि जो 43,900 के आसपास क्लोजिंग है, ये 46,000 पोजीशन यहाँ पे 84,000, ये 30, यहाँ पे 24, यानी ये जबरदस्त पोजिशन यहाँ पे बना हुआ है जो कॉल के राइटर एक्टिव है। मार्जिन भी यहाँ पे कॉल में लिया जा रहा है, यानी जबरदस्त यहाँ पे कॉल में मार्जिन लेके गए हैं 8,22,000, यहाँ पे 5,84,000 PCR में यहाँ पे न्यूट्रल, यानी कॉल साइड ज्यादा पोजिशन बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे बेरे से हमें डेटा भी सेम सजेस्ट कर रहा है, इन द मनी पे यहाँ पे राइटिंग हुई है, जबकि यहाँ कोई इन द मनी पोजिशन ऐसा नहीं बन रहा है। तो आई होप कि आपको ये डेटा समझ में आ रहा होगा। अब अगर बात करें हम फिन निफ्टी का, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी हमारा फिन निफ्टी का है, फिन निफ्टी में 19,500 पे यहाँ पे पोजिशन थोड़ा सा 18,000 ये पोजिशन बनाया गया है, जबकि 19,700 इवन 19,500-6,000 पे भी कॉल की राइटिंग हुई है, जबकि थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट कॉलिंग पॉइंट ऊपर है। तो ये हमें मंडे को थोड़ा और कंफर्मेशन दे देगा, यानी कल के डेटा के साथ। फिन निफ्टी का डेटा यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल, 1,56,000 कॉल साइड, 1,77,000 पुट साइड, दोनों साइड पोजिशन अभी यहाँ पे न्यूट्रल बना हुआ है, कल ये क्लियर कंफर्म करेगा दोस्तों। ऑप्शन चेन के अगर ओवरऑल ऑप्शन चेन की बात करें तो ओवरऑल 19,350 के पास क्लोजिंग है यहाँ पे। नेट बेसिस पे देखिए आपको जो चेंज हुआ है 1,40,000 यहाँ पे, 1,14,000, 1,00,000 यहाँ आपको वॉल्यूम के साथ ये एंट्री है, यानी आपको 19,400 का भी हमारा 19,400 ये कहिए 430 का ये जो है रेजिस्टेंस हमारा नीचे आ रहा है, और 19,280 का हमारा सपोर्ट आ रहा है, ये हमारा लेवल है 19,280 19,430 इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ये मार्केट एक अच्छा डायरेक्शन दे पाएगा। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे डेटा अभी कहिए कि स्लाइटली यहाँ पे न्यूट्रल है फुल ऑप्शन चेन का, लेकिन वीकली यहाँ पे बेरिश है दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आपको एक और अपडेट देना चाहूंगा कि हमारा नेक्स्ट बैच आपको क्या है 18th अगस्त, यानी आपको कल से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 20% का अभी आज तक का डिस्काउंट है। आप इस नंबर पर मैसेज करके आप सब कुछ चीज डेटा अपने आप स्टडी कर सकते हैं कि कैसे पोजिशन बनता है, बड़े पैर क्या करते हैं, लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सारा एग्जाम्पल देखता हूँ, आपको बैक टेस्टिंग करना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, बैक जाके आप यहाँ पे जितने भी मैसेज वो देख सकते हैं कि आपको क्या बताया गया है। FII यहाँ पे कैश में आज सेल किए हैं, DI ने भी सेल किया है, डेटा यहाँ पे कैश का बेरिस है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर रखिए दोस्तों, ताकि लेटेस्ट और जेन्युइन कंटेंट आप तक पहुंच सके। एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया है, इसके आधार पर बाय सेल या होल्ड का ऑप्शन क्रिएट ना कीजिए, अपने फाइनेंशियल वैल्यू से जरूर सलाह लीजिए। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।